told Arvind Kejriwal is speaking at Jantar Mantar. Let's listen to that. ये देश बदल तो सकता है और हमारी जिंदगी में बदल सकता है।
तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, देश का इतिहास बदलने की कोशिश की है। आप सब लोगों के परिवारों को भी बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स बैठे हैं जो खुद तो काम कर रहे थे लेकिन उनकी बीवी, उनके हस्बैंड, उन्होंने पूरा साथ दिया, उनके बच्चों ने पूरा साथ दिया, उनके माँ बाप ने पूरा साथ दिया, वो सब लोग भी बधाई के पात्र हैं। कई परिवार वाले ऐसे भी हैं जिनका बेटा जब इस मूवमेंट में आया तो उनको बड़ी तकलीफ हुई कि एक छोटी मोटी नौकरी करता था और छोड़ के चला गया, तो उन्होंने उनका विरोध भी किया। लेकिन मैं उन सब लोगों को भी बधाई देता हूँ, उन सब परिवार वालों को बधाई देता हूँ, आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ। अभी मैं एक रोड शो एक महीने से कर रहा था, तो एक दिन रोड शो करते करते एक आदमी आया, बहुत गरीब सा आदमी, उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जितने पैसे उसके हाथ में थे, उसकी जेब में थे, वो सारे पैसे निकाल के उसने मेरी जेब में डाल दिए। कहता मैं रिक्शा चलाता हूँ, अभी तक सुबह से मैंने 30 रुपए कमाए हैं, ये 30 रुपए मैं आपकी पार्टी को दान देना चाहता हूँ। दोस्तों ये चुनाव उस रिक्शा वाले ने लड़ा है, ये चुनाव विजय बाबा ने लड़ा है, जो विजय बाबा रिक्शा चलाया करते हैं और पिछले 6 महीने से उन्होंने रिक्शा अपने पैसों के लिए नहीं चलाई, केवल पार्टी के लिए चलाई है। पार्टी से पैसा नहीं लेते, पार्टी से भी पैसा नहीं लेते। ये चुनाव लोगों ने लड़ा है दोस्तों, ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है, ये चुनाव इस देश के लोग। और किन लोगों ने लड़ा चुनाव? ये चुनाव लड़ा इन लोगों ने। कौन है ये लोग? कोई नहीं जानता। ये फराना अंजुम, ये धीर साहब, राखी बिरला, कमांडो सुरेंदर, कौन है ये लोग? इनको कोई नहीं जानता। राखी बिरला एक छोटी सी लड़की है, उसने राजकुमार चौहान को हरा दिया। राजकुमार चौहान कैबिनेट मंत्री, कोई सोच नहीं सकता था कि उसको कोई हराएगा। कितने 15 या 20 साल से जीत रहा है वो, कोई सोच नहीं सकता था। ये वंदना ने एक मामूली हाउस वाइफ है, इसने रविंद्र बांसल को हरा दिया। कितने 15 साल से विधायक है। यह अखिलेश मणि त्रिपाठी, इन्होंने मॉडल टाउन में अपने विधायक को हरा दिया था। ये सिविल सर्विसेज के मेंस की परीक्षा दे रहा था, पता नहीं मेंस में होता कि नहीं होता, लेकिन इसने वहां की लड़ाई पर जीता। दोस्तों ये सब आम लोग हैं और इन देश के नेताओं को गरूर हो गया था कि ये इस देश को लूटते रहेंगे। इन देश के नेताओं को ये नहीं पता था जिस दिन ये आम आदमी खड़ा हो गया, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाएंगे। और 8 दिसंबर को इस देश के बड़े बड़े सिंहासन ढुलक गए, इस देश के बड़े बड़े सिंहासन पलट गए। दोस्तों ये आम आदमी की जीत है, ये आपके इनकी जीत है। इस बार चुनाव आम आदमी लड़ा, चुनाव आम आदमी लड़ाया और आम आदमी इस देश के अंदर जीता है। अब ये लड़ाई हमें पूरे देश के अंदर लेके जानी है। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब वो सारे छोड़ छोड़ के देश के लिए लड़ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ छोड़ के आ गए हैं। अभी अभी 2 मिनट पहले मैं यहां बैठा हुआ था, मेरे को एक बड़ी मार्मिक चिट्ठी किसी ने दी है, मैं 2 मिनट ये चिट्ठी पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आदरणीय अरविंद जी, मेरा नाम बजरंग अग्रवाल है और मैं रोहिणी का रहने वाला हूं। मैं पिछले बहुत सालों से कांग्रेस में काम करता था, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, परंतु पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक बहुत बोझ है कि मैंने अपना कीमती समय एक पार्टी के लिए लगा दिया जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब आपने जब आपने यह आंदोलन शुरू किया तब मैं भी औरों की तरह सोचता था कि एक अकेला चेना भाड़ नहीं फोड़ सकता, किंतु अब पता चला कि एक चेना भाड़ ही नहीं फोड़ सकता, उसे पूरा चकनाचूर भी कर सकता है। 4 दिसंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरे 5 साल के बेटे ने मुझसे पूछा, पापा कौन जीता? तो मैंने उससे कहा,
नहीं आया तो वो बड़े उत्साह से बोला, पापा देख लेना हमारी झाड़ू जीतेगी। उसका हमारी शब्द इस्तेमाल करना मेरे दिल को छू गया और मुझे लगा कहीं मैंने आपको समर्थन ना करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसे झाड़ू के बारे में क्या पता है, तो वो 5 साल का बेटा, उसने बताया कि उसके सभी दोस्त कह रहे हैं कि ये झाड़ू वाले देश को बदल देंगे, ये लोग बहुत अच्छे हैं। अगर मेरा बेटा मुझसे ये बात ना कहता तो शायद मैं आपको ये पत्र नहीं लिखता, परंतु उस दिन से मेरे मन पे एक बहुत बड़ा बोझ है। शायद ये पत्र लिखकर मैं उस बोझ को थोड़ा कम कर रहा हूं। और इन्होंने आगे काफी कुछ लिखा है। दोस्तों, दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। 8 दिसंबर को एक बहुत बड़ी बात हुई है। 8 दिसंबर को इस देश में इतिहास रचा गया है। 8 दिसंबर को आम आदमी ने इस देश में अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन अभी लड़ाई शुरू हुई है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। यहाँ पर हमारे जितने साथी बैठे हैं, विधायक बने हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, घमंड में मत आ जाना। अहंकार का मत कर बैठना। आज हम लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस वालों का अहंकार तोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल किसी को खड़े होके, आम आदमी को खड़े होके हमारी पार्टी का अहंकार तोड़ना पड़े। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है लोगों ने। आपको नेता नहीं बनना, आपको विधायक नहीं बनना, आपको लोगों की सेवा करनी है। और आज से ही लग जाओ लोगों की सेवा करने में। मुझे पता चला कि कुछ जगहों पे जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए। किस चीज का जश्न मना रहे हैं हम लोग? किस चीज की जीत हुई है? हमारी जीत हुई है क्या? इस देश के लोगों की जीत हुई है। और आपका क्या काम है? पटाखे फोड़ने का काम नहीं है हमारा। हमारा काम है जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करने का काम। हमें जनता की सेवा करनी है। दोस्तों, जरा सा भी घमंड मत ले आना, नहीं तो जिस चीज को बदलने के लिए चले थे कहीं हम उसका हिस्सा ना बन के बैठ जाए। दोस्तों, हमें 28 सीट मिली। ऐसा नहीं कि हमें बहुमत नहीं मिल सकता था, लेकिन है ना, आखिरी वक्त पे इन लोगों ने कई हथकंडे इस्तेमाल किए। जैसे 16 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे इन्होंने झाड़ू से मिलता जुलता एक नया चिन्ह निकाला, टॉर्च। गलत तो नहीं कह रहा? 16 विधानसभाओं में टॉर्च का सिंबल निकाल के, और वो टॉर्च का सिंबल बिल्कुल झाड़ू जैसा था, देखने में बिल्कुल झाड़ू जैसा था, और 16 विधानसभाओं में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए गए। और इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कोई नहीं जानता था। इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने कोई प्रचार नहीं किया था। एक एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसका टॉर्च का निशान था, उसको 4-4, 5-5 हजार वोट पड़े। लोग गलत फहमी में उस टॉर्च को झाड़ू समझ के वहां पे बटन दबा के आ गए। जैसे कालका जी में, दोस्तों हम लोग 2000 वोट से हारे हैं, लेकिन टॉर्च के सिंबल को 3100 वोट पड़े हैं। जनकपुरी में हम लोग 2600 वोट से हारे हैं, लेकिन 4800 वोट पड़े हैं। दोस्तों, उस दिन रात को 9:30 बजे तक पोलिंग हुई थी, लेकिन शाम को 5 बजे कुछ टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाने चालू कर दिए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को 6 सीट मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है। मुझे बताया गया कि 5 बजे से 9 बजे तक 1,70,000 वोट पड़े। जो लोग कांग्रेस को हराना चाहते थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट ना डाल के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। ये कई सारी चीजें की गई, लेकिन मेरा मानना है कि ऊपर वाला जो भी करता है ठीक करता है। ऊपर वाले की जो भी मंशा थी अच्छी मंशा थी। हमें 28 वोट मिले, 28 सीट मिली। हम कुदरत का, ऊपर वाले का, ईश्वर का, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब यहां से इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे।
एक और बहुत बड़ी बात हुई, पैसे का खूब खेल चला, पैसा खूब बटा, झुग्गियों में खूब पैसा बांटा गया, झुग्गियों में खूब दारू बांटी गई। लेकिन दोस्तों बड़े मजे की बात है, हमें बड़ा डर लग रहा था, हमें डर लग रहा था ये दारू लेके वोट, पैसे लेके कहीं वोट बिक तो नहीं जाएंगे। लेकिन जो अभी बूथों का डेटा आ रहा है, वो डेटा ये दिखा रहा है कि झुग्गी में रहने वाले दिल्ली के सारे झुग्गी वासियों ने पैसा तो सबसे लिया, दारू तो सबसे ली, लेकिन वोट उन्होंने झाड़ू पे डाला, वोट उन्होंने झाड़ू पे डाला है। दोस्तों मैं दिल्ली के सारे झुग्गी वासियों को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। ये पार्टियां 65 साल से हम लोगों को धोखा देती आई थी, इस बार लोगों ने इन पार्टियों को धोखा दिया, पैसा सबसे लिया लेकिन वोट झाड़ू पे। पार्टियां बौखला गई हैं, बुरी तरह से बौखला गई हैं। कई जगह से ऐसे समाचार मिल रहे हैं, एक विधानसभा से समाचार मिला है कि अभी तक के जो मौजूदा विधायक थे उनके पास उस विधानसभा में जितने बूस्टर पंप है पानी के उसकी चाबी है, उनके तालों की चाबी है, और उन्होंने पूरे इलाके में पानी देना बंद कर दिया है। एक इलाके में वहां के विधायक ने कहा है कि अब ये कचरा उठाना बंद इस इलाके में, अब कचरा तो आम आदमी पार्टी वालों से उठवा लो। ये सब बौखला रहे हैं दोस्तों, लेकिन जितना ये ऐसे करेंगे उतने ही अगले चुनाव में इनको वोट कम मिलने वाले हैं। मैं अपने सारे कैंडिडेट से निवेदन करूंगा, चाहे आप जीते चाहे हारे, कि आप जाके जनता के साथ खड़े हो जाओ और जनता के साथ संघर्ष करो, उनके मुद्दों को उठाना चालू करो। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, एक मिनट हमें नहीं गंवाना, तुरंत हमें जनता के बीच में जाना और जनता की सेवा शुरू करनी है, उनके संघर्ष में हिस्सा बनना है। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात हुई, चुनाव के नतीजे में 31 सीट बीजेपी को मिली, एक सीट अकाली दल को मिली जो कि उनका पार्टनर है, 32 सीट मिली, हमें 28 सीट मिली। तो सरकार तो बीजेपी वालों को बनानी चाहिए थी, 4 सीट कम थी, 4 सीट खरीदना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी, आज तक तो खरीदते आए हैं। पहली बार बीजेपी वालों ने कहा नहीं, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, पहली बार 100-100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पर अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने दिल्ली में किया है, क्या वो देश को बताना चाहेंगे कि अगर उनको पूर्ण बहुमत सेंटर में नहीं मिला या किसी और राज्य में नहीं मिला तो वो वहां पे सरकार बनाने के लिए मना कर देंगे? क्या वो ये बताना चाहेंगे देश को, या केवल ये टकोरा ढकोसला है? दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, दोनों की एक ही आइडियोलॉजी है, दोनों भ्रष्टाचार करती हैं, दोनों दंगे कराती हैं, दोनों सांप्रदायिकता करती हैं। हम इन दोनों पार्टियों से कहते हैं कि आप दोनों पार्टियां मिलकर अब सरकार बनाइए दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। लेकिन अगर इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली के ऊपर चुनाव थोपा तो क्या आप लोग दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? हम लोग दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, पूरी दिल्ली दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दिल्ली की जनता समझ जाएगी कि अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाती तो अगले चुनाव में बीजेपी को वोट देना मतलब वोट बेकार करना, अगले चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देना, क्योंकि 32 सीट लेने के बाद भी अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाती तो इसका मतलब बीजेपी भाग रही है अपने दायित्व से, बीजेपी को वोट देना बीजेपी वोट बेकार करने के बराबर है। दोस्तों हम सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए, हम अंदर सत्ता भोगने के लिए नहीं जा रहे, ये सत्ता के केले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए जा रहे। अब इस लड़ाई को पूरे देश में ले जाना पड़ेगा, ये बात केवल दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए है। जो ईमानदार राजनीति की शुरुआत दिल्ली की जनता ने की है, दिल्ली की जनता ने एक दिशा दी है पूरे देश को। आज तक जब भी राजनीति की बात की जाती थी तो कहते थे राजनीति तो गुंडों का काम है, राजनीति तो भ्रष्टाचारियों का काम है। एक लड़का है, हम उसे टिकट देने की सोच रहे थे, उसके पिताजी आए मेरे पास, मेरे पैरों में पड़ गए,
कहते मेरे बेटे को टिकट मिल देना, मेरा बेटा पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेगा, मेरा बेटा पूरी जिंदगी पार्टी की सेवा करेगा, लेकिन ये तो राजनीति तो गुंडों का काम है, जिसको टिकट मत देना, मेरा बेटे को इस कचरे में मत डालना, इस कीचड़ में मत डालना। ये लोगों का परसेप्शन बन गया है दोस्तों। राजनीति इस दिल्ली के लोगों ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है कि ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, अब इस लॉ को हमें पूरे देश के कोने कोने के अंदर लेके जाना है। लेकिन ये हम चंद लोग नहीं कर सकते, हम कुछ लोग नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी वाले हम लोग नहीं कर सकते, हम आम आदमी पार्टी वाले पूरे देश को साफ नहीं कर सकते। और ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की, प्रशांत भूषण की, योगेंद्र यादव की, कुमार विश्वास की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के लोगों की लड़ाई है। तो आज मैं इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं कि दिल्ली के देश के अंदर जितने अच्छे लोग हैं, देश के अंदर जितनी अच्छी राजनीतिक ताकतें हैं, देश के अंदर जितने आंदोलन चल रहे हैं, अच्छे अच्छे आंदोलन चल रहे हैं, दोस्तों समय आ गया आप सारे इकट्ठे हो जाओ। अब घर के अंदर बैठने से काम नहीं चलेगा, सारे इकट्ठे हो जाओ। कुदरत ने एक मौका दिया, ईश्वर ने एक मौका दिया, अल्लाह ने एक मौका दिया है, अब सारे इकट्ठे हो जाओ। अगर इस देश के सारे अच्छे लोग इकट्ठे हो गए दोस्तों, तो बहुत जल्द ये देश वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा। मैं आज उन सारे अच्छे लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, जो जो लोग बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, ईमानदारी से अपना व्यवसाय चलाते हैं, आप सबको मैं आम आदमी पार्टी में इनवाइट करता हूं, आप सबको आमंत्रित करता हूं। इस देश में जो जो राजनीतिक ताकतें हैं, सामाजिक ताकतें हैं, उन सबका मैं आह्वान करता हूं। और जो जो लोग बीजेपी कांग्रेस के अंदर ईमानदार लोग हैं, लेकिन अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, उन सब से भी कहता हूं बीजेपी कांग्रेस छोड़ दो और आ जाओ इस आजादी के लिए। अन्ना हजारे जी अनशन के ऊपर बैठे हुए, अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हुए, सरकार ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि लोकपाल बिल लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अभी बचा हुआ है। दोस्तों जो लोकसभा में बिल पारित किया गया वो लोकपाल बिल नहीं है, वो जोगपाल बिल है। इसको देश की जनता नहीं मानने वाली। अगर आपने इस कानून को राज्यसभा में पास करा दिया तो देश की जनता की बात आपने नहीं मानी, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। हम अन्ना जी के आंदोलन को सलाम करते हैं, हम अन्ना जी के साथ हैं, तन मन धन से अन्ना जी ने जो जागृति की है पूरे देश की, हम उसको सलाम करते हैं। कल मैं और कुमार विश्वास अन्ना जी से मिलने रालेगंज सिद्धि जा रहे हैं। अन्ना जी ने कहा कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को स्टेज पे नहीं आने देंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, उनके विचारों का सम्मान करते हैं, हम उनके स्टेज पे नहीं जाएंगे, हम सामने जाके ऑडियंस के अंदर बैठ जाएंगे। और अंत में साथियों, ये जो पूरा आंदोलन चला ये आपके पैसे से चला, हमारे पास तो पैसा था नहीं, देश के लोगों ने चंदा दिया। और देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पार्टी ने आकलन करके कहा कि हम 20 करोड़ में चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो ये 20 करोड़ तो एक एक आदमी खर्च कर देता, एक एक एमएलए खर्च कर देता। यहां पे हमने कहा 20 करोड़ में चुनाव लड़ेंगे 70 के 70। और दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि जैसे ही 20 करोड़ रुपए आ गए हमने कहा बहुत चंदा नहीं चाहिए हम लोगों को दोस्तों। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, अब दिल्ली में दोबारा चुनाव हुआ तो दोबारा चुनाव भी लड़ना है, अब हमको चंदा चाहिए। तो आज मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हम अपनी वेबसाइट खोल देंगे, आप लोगों से निवेदन है, देश की जनता से निवेदन है कि जिस तरह से आपने दिल खोल के चंदा दिया था, ऐसे ही दोबारा दिल खोल के चंदा दीजिएगा। अब तो मेरे पास कई फोन आ रहे हैं,
पहले कई लोग थे जो डरा करते थे, कहते थे जी पता नहीं आपके चार सीट भी ना आए, हमने आपको चंदा दे दिया, आप तो वेबसाइट पे नाम डाल देते हो, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले हमारा धंधा बंद करा देंगे। अब हम सब लोगों के फोन आ रहे हैं, कहते हैं ये तो हार गए जी, अब हमें डर नहीं लगता, हम खुल के चंदा देंगे अब आपको। दोस्तों एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है, एक इतिहास की शुरुआत हुई है, इतिहास बदला जा रहा है, देश का भविष्य बदला जा रहा है, ये हम सब लोगों की लड़ाई है। मैं अंत में फिर से एक बार आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था वो देश वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा, क्योंकि इस देश का आम आदमी जाग गया है। भारत माता की।